गुड मॉर्निंग दोस्तों, करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। मेरे पीछे आपको दिख रही होगी अपनी गाड़ी। अब की बार बिल्कुल फ्लैट सेटअप है बेड का। अब ये कैसे मैंने कराया है, थोड़ा सा गंदा है, ये साफ कराना पड़ेगा। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको अंदर जाके। बिल्कुल एक मिनट मेरे को दो। कंफर्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अब की बार। और ये हो गया, देखो बिल्कुल फ्लैट पैड। अपना गद्दा डालो, रजाई कंबल। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखोगे तो हमारे रोड ट्रिप की हो जाएगी शुरुआत। और मोटा मोटा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एंगल है, जैसे यहाँ पे ये हो गया, इसके लिए सर रखने के लिए फ्रेम यहाँ पे फोल्डिंग वाला दोनों तरफ। जब मेरे को उधर भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई साथ में होगा तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला फ्रेम। और नीचे भी मैंने प्रॉपर, ये बॉक्स आपने देखा हुआ है, अपने किचन का सामान इसमें हो जाता है पूरा फिक्स। फ्रेम आपने देखा होगा, आप नहीं देखा तब तक मैं ये खोलता हूँ थोड़ा फ्रेम दिखाने के लिए। तब तक आप पीछे जाओ, कैसे कैसे मैंने सारा काम कराया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तब तक मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ, फिक्स नहीं किया हुआ। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मैंने इनमें ना हार्डवेयर का सिस्टम रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, कसा हुआ, ताकि ये हिले ना, ऐसे ही जो नीचे फ्रेम है उसमें। तब तक मैं इसको थोड़ा सा अनइंस्टॉल करता हूँ, आप पीछे जाओ देखो सारी चीज़ें और दिखाता हूँ, और खर्चा भी बताऊँगा क्या खर्चा है। बिल्कुल फ्लैट बेड है अपना। अभी तो ये जुगाड़ है, ऐसे पीछे मेरा बॉक्स रखा हुआ है पेटी, उसमें सामान आ जाता है, सीटें फोल्ड करनी पड़ती हैं, फिर यहाँ पे तो ये देख लो अभी थोड़ा ढलान में है, तो बिल्कुल फ्लैट बेड नहीं बनता है अभी तो। अभी बिल्कुल फ्लैट बेड नहीं हो पाता है अपना, तो फ्लैट बेड कराने की है तैयारी। पहले चलते हैं एक बार कहाँ पे, ते तो खुलवा दिए भाई। देखो अपनी तो एक ही शॉप है, शिवम कार इंटीरियर बल्लभगढ़ में। और अब चलते हैं कहाँ पे भला, हाँ फैब्रिकेटर वाले के पास। एक ना पूरा पहले मैं फ्रेम बनवाऊंगा, उसके ऊपर अपना होगा बेड का सेटअप, और ये अपना लक्की लक्की द हीरो। ओके भाई करता है ये, लक्की है ना, बहुत बढ़िया काम करता है, सारा काम यही करता है मेरी गाड़ी में। तो पहले चलते हैं फैब्रिकेटर के पास, वहाँ पे आगे दिखाऊंगा पूरा सेटअप, कैसे कैसे मैं करा रहा हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि आपको किसी को कराना है तो ताकि आप भी करा लो। गर्मी घनी खतरनाक पड़ रही है भाई, बहुत गर्मी, बाहर निकलोगे ना हालत ख़राब हो जाती है। और थोड़ी देर ही इसमें क्या हुआ, डस्टर नहीं निशान की, ट्रेनो ट्रानो डस्टर की कॉपी समझ लो, कहीं पर मार दिया इसको। चलो हाँ, मैं बात कर रहा था, गर्मी बड़ी खतरनाक है, बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है। ओहो आज तो दो दो निशान दिखी एक साथ, पहली बार सेम गाड़ी दिखता नहीं है भाई, बहुत कम होता है ऐसे, निशान की गाड़ी ही नहीं दिखती, और दिखती है तो देखो दो दो दिखती है रोड पे। आराम से भैया, ये बाइक वाले भैया नहीं मानेंगे। लाला जी खुले, इतना ही खुले, ये आगे ऐसा ना खोलने की जरूरत पड़े, ये आधो खोलना पड़े बस, आगे को ना हाथ रखने को बस, वो अलग खुले है ऊपर, खोल कर देखो एक बार आगे के यार, पूरा क्यों खोल रहे हो, यू खोल लो बस। हाँ तेरे लाला जी, यू बस इतना खुला है, बस इतना ही, हाँ यही तो है, फिर ये इतना ना खोलना पड़े ना, बस ऊपर को खोलना पड़े होते। हाँ तो 31 इंच है, वगैरह सब दे दिया है, सब लिख लिया, बेड का सेटअप होगा अपना कल तक तैयार, पेंट वगैरह सारा कुछ होके जब हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिकली मैं आपको लगा के यहाँ पे अच्छे से कि कैसे सेटअप हुआ है और कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, सारी चीजें बताऊंगा, A to Z समझाऊंगा। बच के बॉडी शॉप में मैं सोच रहा था बॉडी शॉप का भी काम इसमें कराऊंगा गाड़ी पे ट्रिप पे जाने से पहले, बट अभी नहीं है टाइम और ना हो पाया, कितनी कोशिश कर लो जब कुछ ना कुछ छोड़ ही जाता है। पर अब की बार ट्रिप से आते ही ना साथ के साथ ही सबसे पहले काम यही है कि आते ही अगले दिन गाड़ी को छोड़ूंगा मैं बॉडी शॉप के लिए। दो दिन हो गए हैं कुछ भी शूट नहीं किया, फ्रेम हो गया है तैयार, उठा लिया है अपना, ये पूरा भी मैं जा रहा हूँ इसकी कोटिंग वगैरह कराने, तो प्लेटिंग कराऊंगा, पाउडर कोटिंग वगैरह जो भी होगा वो कराएंगे। तो गाड़ी भी पूरी गंदी हो चुकी है, अभी एक दो दिन में हो सकता है अपना ट्रिप हो जाएगा चालू। हो गया अपना कोटिंग का काम, यहाँ पे छोड़ दिया है, कोटिंग होके मिल जाएगी अपना आज शाम को 4 बजे के आसपास, फिर मैं दिखाऊंगा अगर टाइम मिला तो आज ही इंस्टॉल करके, क्योंकि अभी मेरे को इसका पलाई का भी सेटअप करना है बेड का, तसल्ली नहीं है किसी को भी भाई। फ्रेम अपना रेडी है, बाकी चीजें दिखाऊंगा अभी थोड़ा ऑफिस जाके, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, शेप भी हो चुकी है, निकलने की तैयारी है बिल्कुल,
बट अभी एक चीज रह जाती है, अभी जो इसके ऊपर मैं बेड का सेटअप होगा ना प्रॉपर, जो फट्टे वगैरह लगेंगे वो अभी नहीं लगे, वो अभी तो कटिंग करनी है, कैसे होगी क्या होगा वो सारी चीज दिखाने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है एंड से हमारी ये वीडियो चालू होगी, मेरे को ये लगता है कि जब मैं पूरा कंप्लीट सेटअप हो जाएगा तब मैं वहां से वीडियो स्टार्ट करूंगा, ये सारी चीजें आपको बीच में दिखेंगी। तो अभी चलते जल्दी सी, और मेरे को ना पैकिंग भी करनी है, काम भी अभी मेरे 2-3 पेंडिंग है, और अभी बेड का सेटअप भी पेंडिंग है। ये चीज हो जाए ना अपना, फिर निकलेंगे रोड ट्रिप पे, और अबकी बार भाई मजा आने वाला है, पूरा मजा आएगा। कहते हैं ना आग लगा देंगे तो धुआं उठा देंगे, आग लगा देंगे इस वाले रोड ट्रिप पे भाई, इतने मजे आएंगे। और मैं करने वाला हूँ सोलो करता हूँ, तो जब आपको पता है जब भी मैं सोलो रोड ट्रिप करता हूँ ना नेक्स्ट लेवल होता है, एडवेंचर इतने तगड़े होते हैं, तो वही चीज देखने को मिलेगी। तो अब चलते हैं सीधा ऑफिस, वहां पे जाके अभी मेरे को कटिंग करनी है सारा कुछ। मिलते मिलते कब फुर्सत में, पहले अब की बार क्या है मैं पूरा सेटअप बना बनू के जब फाइनल तभी मिलूंगा। रोज एक एक दो दो दिन की छोटी छोटी क्लिप लगा देता हूँ वीडियो में, तुम कहोगे कितने दिन की वीडियो, एक वीडियो बना के डाल रहा है भाई क्या करूं, बस पूछो मत, जिंदगी की झंड हुई पड़ी है। अभी तो कोशिश कर रहा हूँ अच्छी बनाने की, तो अच्छी बन जाएगी तो तुम्हारा भाई डेली व्लॉग भी बनाएगा। देखो भैया मुद्दा ये है, पलाई मैंने काट दिया, आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो देख लो, मेरे पास पलाई थी, ये पलाई बोर्ड होता है ना जो, और पलेटिंग हो चुकी है अपने फ्रेम पे। अब क्या रहता है, बस पलाई पे ना थोड़ा सा एक कपड़ा लगवाना है, जिससे क्या है अपना गद्दा वगैरह डालें तो मतलब समझ जाओ थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा दिखने के लिए। ये हटाओ पहले, तो ये हटा, ये लगा के ना बात करने में मजा नहीं आता जब तक आंखें ना मिले एक दूसरे से। तो पॉइंट ये है, ये अपना हो जाएगा आज रेडी, इसके बाद होगी गाड़ी की धुलाई, और पहले ये चलते कराते भाई, ये जरूरी है, इसके बाद करेंगे कि जो भी हमें करना है, धुलाई करानी है, ट्रिप पे निकलना है। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी डाउन खराब चल रही है, तो गला कट रहा है, छींक पे छींक आ रही है सुबह से, तो दवाई तो मैंने ले ली है, पहले ये सारी चीजें करा लूं ठीक, उसके बाद और अपने आप को भी कर लूं मैं ठीक, फिर अपना ट्रिप भी हो जाएगा चालू। मेरी उम्मीद थी ये था कि आज मैं निकल जाऊंगा, बट तबीयत ऐसी खराब हुई नहीं निकल पाया, काम रह गए पेंडिंग, जैसे कि अभी ये करा रहा हूं तो ये हो जाएगा, इसके बाद अपना सारा काम होगा, पहले ये कराते हैं। यार बातें तो मैं करता रहता हूँ, ट्रिप पे भी करेंगे काफी सारी बातें करेंगे, तो पहले ये कराते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो बात करते हैं फ्रेम का सेटअप, देखो एक हिसाब से ये बनवा दिया मैंने, यहाँ पे टी सेकंड, बीच में ये हो गए पाइप, और यहाँ पे अपना हो गया एंगल से बना दिया इसी शेप में। अब कैसे दिखेगा आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो वहाँ से पूरा फ्रेम इधर आ गया यहाँ पे, और बीच में 3 पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट, और सेम हाइट पे, मतलब पीछे वाले की हाइट कम है ताकि फ्लैट रहे, तो इक्वल की है, और वहाँ पे भी इस हिसाब से आगे फ्रेम, और यहाँ पे लग जाएंगे हार्डवेयर। ये हो गया फिक्स अपना काम, इसके ऊपर पलाई का हो गया सेटअप ऐसे। ये बॉक्स मैंने पहले अपना रेडी कराया हुआ था पीछे ट्रिप के, आपने देखा होगा, तो बिल्कुल हो गया अपना फ्लैट बेड। अब मेरे को ट्रिप के दौरान ना टेंट लगाना, अभी मैं सोलो ट्रिप करूँगा तो टेंट लगा के मेरे को कैंपिंग करना, वो सारी चीज़ें करना जो थोड़ा सा अनसेफ होता है, वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी इसमें। क्या अपना गाड़ी के अंदर ही फ्लैट बेड लगाओ, आराम से स्टे करो, तो थोड़ा सेफ्टी के पर्पज़ को देखते हुए ये सारी चीज़ें की हैं। तो अभी देखो, अभी मेरे को ना गाड़ी को साफ़ कराना ज़रूरी है, हालत देखो गाड़ी की कैसी, क्योंकि सारा काम करा है। हाँ, और ये सीट भी निकल जाएगी, अभी गाड़ी को मैं वॉश कराने जाऊँगा तब ये सीट भी निकाल दूँगा, ताकि इसके नीचे अपना लगेज बैग वगैरह आराम से आ जाएंगे इधर, और ये हो गया अपना फ्लैट बेड बिल्कुल। बाकी सारी चीज़ें आपको वीडियो में समझ में आती रहेंगी आगे, जब आप ट्रिप की वीडियोस आप देखोगे। बात करते हैं मोटे मोटे खर्चा कितना आ गया इस सारे सेटअप में। देखो ये बॉक्स मैंने पहले बनाया हुआ था,
ये जो पलाई है जिसपे कपड़ा, ये मेरे पास खुद के पास थी, मैंने कटिंग की है लेके गया हूँ, तो इसका कोई खर्चा नहीं। इसके ऊपर जो कपड़ा पेस्ट हुआ है इसका खर्चा आया था तकरीबन 450 के आसपास। और नेक्स्ट हो गया अपना फ्रेम, फ्रेम का क्या खर्चा आया भाई, इस पर पाउडर कोटिंग वगैरह लगा के, किसकी कॉल आ गई, अशोक ऑफिस, एक मिनट, हाँ इस पर क्या खर्चा आया है पाउडर कोटिंग वगैरह करा के, भाई एक और कॉल आ गई, रुको। हाँ अब करते हैं बात, कॉल अपनी कट हो गई। फ्रेम, फ्रेम, फ्रेम मेरे को पूरा पाउडर कोटिंग वगैरह करा के, जो पहले आपने देखा होगा रस्टिंग वगैरह दिख रही थी, तो ये पूरा फ्रेम पाउडर कोटिंग कराने के बाद मेरे को पड़ा है पूरा 3000 रुपये का। पर ये है 3000 रुपये में ना, अभी मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, सीट के नीचे सारा लगेज आ जाएगा और यहाँ पे अपने रजाई गद्दे डाल के चलो भाई, आराम से फैल के चौड़ के कुछ काम भी करना है। ऐसे बैठा हुआ हूँ आराम से, ये देखो पूरा ऐसे बैठा हुआ हूँ आराम से, पूरा बैठ के अपना लैपटॉप लेके कुछ भी करना है, एक्स वाई जेड, ये सीट भी मैं आगे फोल्ड कर दूंगा तो एक हिसाब से चेयर की तरह मेरे को थोड़ा सा एंगल मिल जाएगा बैठने के लिए भी। तो अपना काम हो गया है पूरा एकदम एक नंबर। अब क्या करते हैं भाई, अब कुछ नहीं करते, अब मेरे को गाड़ी वॉश करानी है, जाके तैयारी करनी है, गाड़ी को पैक करना है, उसमें टाइम लगेगा, तो अब करते हैं निकलने की तैयारी। इस वीडियो का करता हूँ पेंट, गाड़ी को साफ कराना है, सारा सामान खोल के फिर इसको ढंग से लगाना है वॉश होने के बाद, तो बहुत सारा काम है। और अभी टाइम हो चुका है कितना कितना कितना, 10:30 हो चुके हैं सुबह के, आज है संडे, और आज ही शायद कल मंडे को आप ये वीडियो देखोगे, तब तक हम रोड ट्रिप पे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जिसने अभी तक भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। सेकंड क्या करना है, सेकंड ये कर देना मेरे भाई, थोड़ा वीडियो वगैरह को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। राम राम, जय हिंद, जय भारत।